धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर सिर्फ धन वास्ते जीवना, ये जीवना कोई जीवना नहीं। रोटी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर सिर्फ रोटी वास्ते जीवना, ये जीवन कोई जीवन नहीं। रोटी लोड़ है, धन लोड़ है, इनू जनाब कवि रहीम दरबारे अकबरी दे नौ रतना दे चों इक रतन इंज बयान करदे ने। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। कहिंदे पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकदी, चलन वास्ते पानी चाहिदा है, पर पानी तो बिना बेड़ी डुब नहीं सकदी, डुबण वास्ते भी पानी चाहिदा। बेड़ी चलदी है पानी दे, बेड़ी डुबदी है पानी दे। धन तो बिना जिंदगी दी बेड़ी चल नहीं सकदी, पर जद डुबदी है तो धन दे ची डुब के रह जाती। परिवार तो बिना जिंदगी दी नौका चल नहीं सकदी, पर जद डुबदी है तो परिवार दी ची गर्क हो के रह जाती। कारोबार तो बिना जीवन चल नहीं सकता, ये बेड़ी चल नहीं सकती, पर डुबदी है तो कारोबार दे ची गर्क हो के रह जाती। ते बड़े ध्यान नाल सुनना, गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, हम देखा तैं डुबिया ने, मैं ते देखदा सब बेड़ियां डुबियां पईयां। गर्क डुबे होए दी पहचान, अगर एक सिख दी जो है पहचान करिए डुबे होए दी, नितनेम डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, रहत बैत डुब गई होवेगी, डुब गया गर्क हो गया नहीं होवेगी। हम देखा तैं डुबे आ रहे महाराज कहते, मैं गौर नाल देखदा मनुख ते डुब गया। एक होर नुकता भी मैं बयान कर दिया, पानी जिहड़ा है सागर पानी दरियावां दा सरोवरां दा, इन्हां दे कुत्ते तैरदे ने, गवां भी तैरदियां ने, शेर भी तैरदे ने, घोड़े भी तैरदे ने, मज्जां भी तैरदियां ने। मज्ज भी बड़ी आसानी नाल तैर के चली जांदी। इतना भारी भरकम हाथी मैं गहरी झीलां विच देखिया, इशनान करदे आ हाथियां नूं गहरे पानी चले जांदे, तैरदे बाहर आ जांदे, हद हो गई। पहाड़ हाथी तैरदे ने, घोड़े तैरदे ने, मज्जां तैरदियां ने, गवां तैरदियां ने, कुत्ते तैरदे ने, मनुख डुबदे ने। सिर्फ मनुख डुबदा है, बंदा डुबदा है। क्या पानी दा बंदे नाल वैर है? नहीं, बंदा केवल जिंदा जिहड़ा है वह डुबदा है। लाशां ते तैरदियां ने, लाशां तैरदियां ने, मुर्दे तैरदे ने, हालांकि लाश वजनी हो जाती है, भारी हो जाती, तैरदी है। भारत दे संतां दे शरीर नूं जल प्रवाह करदे ने, दाह संस्कार नहीं करदे। गंगा दे जद ये जल प्रवाह किया जाता है किसी साधु दे शरीर नूं, मैं देखे वजनी पत्थर नाल बन्ने जाते, क्यों? लाश तैरन लग पैंदी है। मुर्दे तैरदे ने, जिंदा मनुख डुबदे ने, क्यों? अपना संतुलन गवा बैठते, बैलेंस बिगाड़ बैठते, डुब जाते। संसार नहीं डुबदा मनुख नू, धन संपदा नहीं डुबदी, परिवार नहीं डुबदा। जनक दा परिवार सी, सारे भगत परिवार वाले ने, परिवार नहीं डुबदा, पदार्थ नहीं डुबदे। दरअसल मनुख अपना संतुलन खो बैठता है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है। जिवें जिंदा मनुख पानी दे च भी डुबदे ने, ये जीवदे जगदे मनुख संसार दे च भी डुब जाते हैं, परिवार दे च भी डुब जाते हैं, कारोबार दे च भी डुब जाते हैं। मूल रूप दे जो मन दे च विचार चलते हैं, उन्हां च हंकार चलता है, लोभ चलता है, काम चलता है।
यही चलता। जैसे शरीर दे च खून गर्दिश करता है, मनुख दे मन दे च हंकार गर्दिश करता है, लोभ गर्दिश करता है, काम गर्दिश करता है। विचारां दे च इन्हां तो बिना होर कुछ भी नहीं होगा। कदी देखना एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे, कदी कदाई कोई गुरमुख अपना मन दा दर्पण देखदा शीशा। ते मन नूं देखना की है? अपने विचारां नूं देखना, अपनियां यादां नूं देखना। अंदर की यादां चलदियां रहिंदियां, अंदर की सोचनी चलती रहिंदी, अंदर की विचार चलते रहिंदे। भारत दे तमाम अवतारी पुरश कहिंदे ने विचारां दे हंकार चलदा है, लोभ चलदा है, काम चलदा है।